कंगना रनौत और शिवसेना का विवाद अभी थमा भी नहीं है कि अब शिवसेना नेता संजय राउत ने फिल्म स्टार अक्षय कुमार से पंगा ले लिया है। बीते दिनों कंगना रनौत ने मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से कर दी थी, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हंगामा हो गया था। कंगना के बयान से तिलमिलाई शिवसेना ने मुंबई स्थित उनके ऑफिस पर बुलडोजर चलवा दिया। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत और कंगना रनौत के बीच जमकर जुबानी जंग हुई। अब शिवसेना नेता संजय राउत ने अभिनेता अक्षय कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जब मुंबई का अपमान हो रहा था तो अक्षय कुमार जैसे अभिनेता आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। संजय राउत ने सवाल उठाया कि क्या मुंबई सिर्फ पैसा कमाने के लिए है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने मुखपत्र सामना में कंगना पर निशाना साधते हुए लेख लिखा कि एक नौटी अभिनेत्री मुंबई में रहकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के प्रति तू तड़ा की भाषा बोलती है, उनके द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती, ये कैसी एक तरफा आजादी है। संजय राउत ने इस मामले में फिल्म उद्योग की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि कम से कम आधे हिंदी फिल्म जगत को मुंबई के अपमान के विरोध में आगे आना चाहिए था। शिवसेना नेता संजय राउत ने अक्षय कुमार का नाम लेते हुए लिखा कि कम से कम अक्षय कुमार जैसे बड़े कलाकारों को तो सामने आना चाहिए था, मुंबई ने उन्हें भी बहुत कुछ दिया है। संजय राउत ने लेख में लिखा कि दुनिया भर के रईसों के घर मुंबई में है, लेकिन जब इस शहर को अपमानित किया जाता है तो सभी गर्दन झुकाकर बैठ जाते हैं। संजय राउत ने कंगना के ऑफिस पर बुलडोजर चलाए जाने को लेकर लिखा कि अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलता है तो वो ड्रामा करने लगती है, इसे राम मंदिर बताने लगती है। कंगना ने अपने ये अवैध निर्माण उसी के द्वारा घोषित पाक अधिकृत कश्मीर में किए हैं। तो दोस्तों, कंगना और महाराष्ट्र सरकार की ये कथित लड़ाई की आग अब बॉलीवुड के कई बड़े बड़े नेताओं की तरफ बढ़ चली है। इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।